सो आज हम देखेंगे कि हमारे DPCM 5G ब्लूटूथ मदरबोर्ड के साथ जो फ्री एप्लीकेशन हम लोग दे रहे हैं DP Connect Plus, उसको किस तरह से इस्तेमाल करें। आप अभी देख रहे हो तो यहाँ हमारे सामने एक स्केल है जिसके ऊपर एक वेट भी आपको लिखा हुआ है। ओके, स्केल है। अब इस स्केल को मुझे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, उसके पहले हम लोग एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना होगा DP Connect Plus, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, इसको आपको इंस्टॉल करना है। मीनवाइल जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, हम इस स्केल के ब्लूटूथ को हमारे फोन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आपको फोन के सेटिंग में जाना है। फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको कनेक्शन, आपके ब्लूटूथ सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च करना है स्केल को। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हमारे स्केल को पैर कर चुका है, जैसे कि ये बहुत सारे ब्लूटूथ सजेशंस नीचे आ रहे हैं क्योंकि हमारे टेस्टिंग्स में अवेलेबल है। अभी मैंने ये एक ब्लूटूथ जो हमारा ये स्केल है उसको पैर कर चुका है और यहाँ से मैंने उसको रीनेम कर दिया है। रीनेम करके मैंने उसको वहाँ पे नाम दे दिया है, जैसे कि चिकन स्केल। अब ये नाम देकर पूरा स्केल रेडी है और इसको हमने लिस्ट में ऐड कर दिया है। अब हम जाएंगे अपनी एप्लीकेशन में। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन आपके ब्लूटूथ एक्सेस के लिए परमिशन मांगेगी, तो उसको अलाउ करना है। एक लिस्ट ओपन हो जाएगा नियर बाय स्केल, तो यहाँ पे हमारा चिकन स्केल करके आ गया है। हम उसको क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन स्केल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। लाइव वेट आप देख पा रहे हैं। अब इस एप्लीकेशन को हम क्लोज कर देते हैं। अब वापस से हम हमारी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। देखा आपने जिस तरह से देखा, एप्लीकेशन को एक बार एक स्केल के साथ पैर करने के बाद बार बार उस स्केल के साथ पैर करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे वो प्रीवियसली कनेक्टेड स्केल को कनेक्ट कर लेंगी। आपको अब बाकी का फीचर्स किस तरह से यूज करने वो समझते हैं। जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, ये अपने आप इस स्केल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो आप देख रहे हो ये एप्लीकेशन इस स्केल के साथ कनेक्टेड हो चुकी है। इस स्केल की बैटरी हम एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हैं, स्केल में दिखता हुआ वेट भी एप्लीकेशन में दिख रहा है। यहाँ से हम उसका मोड भी चेंज कर सकते हैं, जैसे लीटर मोड एंड वेट मोड। वेट को टायर भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जैसे कि टीजर सो वेटर, टीजर वेटर। अब हम एप्लीकेशन के आगे के फीचर समझने से पहले ये जान लेते हैं। मानो कि आपके पास मल्टीपल स्केल है और आप इसको इस स्केल को डिसकनेक्ट करना है, तो यहाँ से इस स्केल को डिसकनेक्ट करके दूसरे स्केल को कनेक्ट कर सकते हैं। हमने वेट है आ गया है 100। अब इस वेट को हमें रिकॉर्ड करना है, सो 100 ग्राम को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड के अंदर वेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे 100 ग्राम आ जाएगा। हमें पार्टी का नाम लिखना है, से फॉर एग्जांपल पार्टी का नाम हम डेमो लिखते हैं और यहाँ पे स्टेट रहेगा गुजरात। आप जैसे ही स्टेट का इनिशियल 2 लीटर टाइप करोगे या फिर सिटी का इनिशियल 2 लीटर टाइप करोगे तो आपको उसका सजेशन आ जाएगा, जैसे कि अहमदाबाद का AH, तो आपको सजेशन आ जाएगा अहमदाबाद। आइटम में मैं वुड लिखता हूँ तो WWD वुड आ गया। रेट डालते अपन, यहाँ पे मेरे ख्याल से 100 ग्राम का मैं वुड बेच रहा हूँ और मैं प्राइस ले रहा हूँ 20 रुपये पर KG के रेट से। तो अभी यहाँ पे सेव करेंगे, तो यहाँ पे डेमो करके हमने जो नया वेट डाला वो आ गया है 4 नंबर के अंदर 100। अगर इस स्लिप को हमें शेयर करना है पार्टी को, तो हम यहाँ से दिए गए बटन से शेयर कर सकते हैं। शेयर दबा के, मानो कि हमें उनसे व्हाट्सएप पे शेयर करना है, तो व्हाट्सएप दबा के उस पार्टी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके यहाँ पे ऐसे आप पूरी स्लिप आप शेयर कर सकते हो पार्टी को, जिससे पार्टी को भी ट्रैक रहेगा कि कौन सा वेट तुला है, कितना अमाउंट चार्ज हुआ है। वापस आप अपनी एप्लीकेशन में आते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डेमो के 3 बने हुए हैं और एक दूसरे नाम का डाला हुआ है। फिर भी हम एक और वेट डालते हैं, 100 ग्राम को हम
100 ग्राम टू टेंट सेट कर दिए और यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम दूसरी पार्टी का नाम लिखते हैं, जैसे कि उत्तम। मोबाइल नंबर हमने वापस कोई और डालते हैं, 10 डिजिट ही डाल पाओगे आप मैक्सिमम। यहाँ पे स्टेट डालते हैं महाराष्ट्र, मुंबई। आइटम में हम लिखेंगे रबर, इसका वेट रहेगा 50। सही, तो यहाँ पे दूसरा एक आ गया है तम 1050 टू डेट एवरीथिंग इज हियर। नाउ आप दो तरह से एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक कि आपको पूरा जो डिटेल यहाँ पर रिकॉर्ड है उस पूरे रिकॉर्ड को आपको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन बटन दबा के एक्सपोर्ट ऑल करोगे तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसको देखने के लिए वो कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, तो आप अपने फाइल में चले जाइए, माई फाइल्स के अंदर इंटरनल स्टोरेज में डॉक्यूमेंट्स करके एक फोल्डर होता है, उसके अंदर डीपी कनेक्ट का फोल्डर आ जाएगा। यहाँ पे एक्सपोर्टेड डेटा है, यहाँ पे हम लोग डेट के शॉर्टिंग कर देते हैं। यहाँ पे 29th को, सॉरी 29th टुडे 29th को एक एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे 29 जुलाई 2023। इसको अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे पूरा जो हमने जो अभी लेटेस्ट किया उत्तम टाइम के साथ सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ गई बराबर। अब माना कि यहाँ पे डेमो के मतलब कि एक डेमो कंपनी के 3 रिकॉर्ड हैं और आपको सिर्फ डेमो कंपनी का एक्सपोर्ट निकालना है, मतलब उस कंपनी को पर्टिकुलर एक्सपोर्ट देना है, जैसे कि डेमो इस रिकॉर्ड को आप उन्हें ओपन करना है और पर्टिकुलर इस कंपनी का एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल करोगे तो डेमो का पूरा डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। फाइल्स यहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे पार्टी का नाम भी आ जाएगा डेमो। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी के रिकॉर्ड्स होंगे। तो इस तरह से आप टीपी एप्लीकेशन की हेल्प से पूरा डेटा मैनेज कर सकते हैं। अब माने कि मुझे ये वाला डिलीट करना है, तो यहाँ पे जाके डिलीट बटन को प्रेस करके यस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपना पूरा डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हो और सेलिंग कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल है। आप हमारा ब्लूटूथ मदरबोर्ड लीजिए, ये एप्लीकेशन को उसके साथ इंटीग्रेशन कर लीजिए और स्विच ऑपरेशन और डेटा रिकॉर्ड जैसी फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट।